बी किया सीए किया सीएस किया एमकॉम भी किया और फिर एमबीए किया आई एम इंदौर से क्यों किया क्योंकि मैं एक फिनेंस प्रोफेशनल बनना चाहता था फिनांस प्रोफेशनल जो एक फिनेंस या कॉमर्स ग्रेजुएट का लड़का हमेशा एस्पायर करता है कि यार किसी तरीके से अपना करियर एज ए फिनेंस प्रोफेशनल बना लूं तो पैसे बहुत बनेंगे और जब भी हम करियर की बात करते हैं हमको हमेशा बहुत पैसे बनाने का एस्पिरेशन पहले रहता है लेकिन अगर आप फिनाइंस प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको बी कॉम बैकग्राउंड होना पड़ेगा नॉन बी कॉम बैकग्राउंड के भी लोग फिनाइंस प्रोफेशनल बन सकते हैं इन दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई थॉट आई शुड कम्युनिकेट विद यंगस्टर्स और पीपल हु आर लुकिंग फॉर बिल्डिंग करियर इन फिनेंस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस एंड वॉट क्वालिफिकेशन इज नीडेड टू अंडर गो दैट करियर अपॉर्चुनिटीज इज गेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड द यंगस्टर्स इन योर फैमिली एंड इफ यू हैव ज्वाइन मी फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे बहुत रेलिवेंट कॉन्टेंट्स मैं अपने लर्नर्स के लिए बनाता जा रहा हूँ ट बी डिवाइड दिस होल डिस्कशन इन टू टू पार्ट वन इज ट्रेडिशनल करियर्स इन फाइनेंस एंड दर वन इज मॉर्डर्न करियर्स इन फाइनेंस ठीक है तो पहले ट्रेडिशनल करियर्स इन फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं पहला करियर विच इज वेरी कॉमन एमोंग द फाइनेंस प्रोफेशनल इज कॉरपोरेट फाइनेंस ना वट इज कॉरपोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब जैसा कि नाम बता रहा है कि इट्स अ फाइनेंस फंक्शन इन एनी कॉरपोरेट and you become part of that finance function. और क्या होता है typically एक company के finance function के अंदर में जब हम finance की बात करते हैं तो पैसे की बात होती है So guys who are involved in corporate finance, they are responsible for sourcing as well as application of money for the corporate. Sourcing of money मतलब companies को पैसे चाहिए तो या तो वो लोन लेगी या इक्विटी लेगी या किसी तरह का मर्जर्स एंड एक्विजिशन करेगी तो वो कॉरपोरेट फाइनेंस की जो टीम होती है वो ये पैसे लाने का तरीका और पैसे को यूज करने का तरीका ये दोनों तरीकों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती है उसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी प्रॉपर रखने में रहता है कई कंपनीज में कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग भी रहता है बड़े बार मान लेते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही लीडर के अंडर में है और कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उधर में सो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो सबसे ट्रेडिशनल फाइनेंस का करियर है यह आपको अगर अंडरगो करना है तो इधर यू नीड टू हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन और एन एम बी ए इन फाइनेंस ये दोनों मोस्ट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं नॉट टू वरी यू कैन अंडरगो गो एम बी ए इन फाइनेंस एंड देन बिकम पार्ट ऑफ कॉरपोरेट इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल लाइट न कॉरपोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉरपोरेट्स अब कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं या तो बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज भी हो सकते हैं या छोटी एस एम ई एस भी हो सकती है जिसको मेन ओनर ड्राइव करता है और उसके साथ में एक कोर टीम मेंबर रहता है जो उसको पूरे सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड प्रोसेस के अंदर में हेल्प करता है आफ्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंकिंग द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर ऑक्यूपेशन आप देखेंगे जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल्स होते हैं या सी के बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं क्यों क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसे हैं और उसमें काम भी बहुत है पर सीखने को बहुत है इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट्स को बैंकिंग करता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वो इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करता है फैसिलिटेट मतलब अगर किसी कंपनी को दूसरी कंपनी को खरीदना है मर्जेस एंड एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट बैंकर करेगा अगर किसी कंपनी को पैसा रेस करना है इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करना है अगर किसी कंपनी को एक्सपैंड करना है इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर एक इंटरमीडियरी है जो पूरे कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है और उनको हेल्प करता है कि वो अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हेल्प कर सके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर टिपिकली द बिग बैंकर्स जो बहुत फेमस है जैसे बाहर में अगर देखें तो गोल्डमेन जेपी मॉर्गन ये सब कुछ बड़े बड़े नाम हैं और सब यंगस्टर्स ट्राई करते हैं कि उनका पहला जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर में लग जाए टिपिकल क्वालिफिकेशन फॉर बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर इज एन एम इन फाइनेंस और अगर आप टॉप लीग बिजनेस स्कूल से एम किए हुए हैं तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब विद अ रेपुटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर गोस अप ऐसे बहुत इन्वेस्टमेंट बैंक चारों तरफ हैं आई मीन छोटे स्केल पे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है बड़े स्केल पे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है बट ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे कि आप टॉप टेन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में ज्वाइन करो उसके लिए ऑब्वियसली आपको टॉप टेन क्वालिफिकेशन के थ्रू अंडरगो जाना पड़ेगा एंड एम बी एन फिनेस इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तीसरा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस को एक साथ क्लब कर देता हूं Although मेरे हिसाब से बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों मार्केटिंग एक्टिविटी ज्यादा है लेकिन वहां पर दोनों के पास में एक ट्रेजरी ऑपरेशन होता है ट्रेजरी ऑपरेशन किसी भी बैंक में उसका रोल क्या है कि एसेट और लाइबिलिटी का मिसमैच को वो लोग मैनेज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में वही है बैंकिंग में कैसे वर्क करता है कि जब बैंक के पास में डिपॉजिटर्स के पैसे आते हैं और जब वो लोग लोन देते हैं कॉर्पोरेट्स को या रिटेलर्स को किसी भी एक्टिविटी के लिए तो एसेट और लाइबिलिटी के बीच में एक मिसमैच है और उस मिसमैच को उन लोग को मैनेज करना वही ट्रेजरी ऑपरेशन का काम होता है बैंक में इंश्योरेंस में और काफ़ी इस तरह के फिनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक एन ब्रोकिंग इन सब के अंदर में भी ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है तो यहाँ अगर आपको घुसना है तो so, सीए एक अच्छा क्वालिफिकेशन है एम फाइनेंस एक बहुत रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है और सीएफए अगर आप कर लेते हैं अगर मतलब चांसेस कम है कि सीएफए के थ्रू आप ट्रेजरी में एंट्री मार पाओगे बट अगर कर लेते हैं तो आपके रेजूमे को और आप बेटर कर पा रहे हैं तो पहला कॉर्पोरेट फाइनेंस दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तीसरा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चौथा ट्रेडिशनल करियर इन फाइनेंस इज रिसर्च रिसर्च एक बहुत ही प्यारा ऑक्यूपेशन है जब मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं तो मैं मार्केट रिसर्च की या मार्केटिंग ओरिएंटेड रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल रिसर्च मतलब आप या तो इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं या कमोडिटी रिसर्च कर रहे हैं या करेंसी रिसर्च कर रहे हैं या इकोनॉमिक रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली आपका काम यह है कि रिसर्च करके इनपुट्स जनरेट करना और उनको रेलिवेंट टीम मेंबर को देना ताकि वो उस इनपुट से एक डिसीजन मेकिंग ले सके राइट व्हेन यू स्टार्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट एनालिस्ट आप junior research analyst, maybe आप जूनियर रिसर्च में में भी इंटर्न के रूप में करते हैं फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं फ्रॉम जूनियर यू बिकम सीनियर देन एसोसिएट एंड फाइनली यू बिकम अ फंड मैनेजर तो फंड मैनेजर लेवल पर जाने के लिए ये जो जर्नी है ये बड़ी कठोर जर्नी है और इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे लर्निंग अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट होती है द बेस्ट वे टू स्टार्ट द रिसर्च करियर इज सी इज अ ग्रेट क्वालिफिकेशन लॉर्ड ऑफ सी एज आर पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम देन एम बी ए ग्रेट क्वालिफिकेशन एंड सी एफ ए इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन बिकॉज सी एफ ए बना ही है रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए तो अगर आप एक्विटी रिसर्च पर्टिकुलरली उसमें जाना चाह रहे हैं तो आप सी एफ ए क्वालिफिकेशन करके रिसर्च फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं एक कैटेगरी ऑफ रिसर्च है जिसमें सी एफ एवेंट नहीं है वो है टेक्निकल रिसर्च विच इज मोर क्वांट विच इज मोर डेटा ड्रिवेन तो वहां पर अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इट बिकम्स रिलेटिवली रिलेटिवलीजियर फॉर यू टू गेट इन टू मोर क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑक्युपेशन बट अगर आप नॉन इंजीनियरिंग नॉन स्टेटिस्टिकल बैकग्राउंड से हैं तो प्रॉब्लम इक्विटी रिसर्च विथ फंडामेंटल ओरिएंटेड रिसर्च बिकम्स द मोस्ट रेलिवेंट ऑक्यूपेशन फॉर यू राइट तो ये मैंने बता दिया आपको रिसर्च पांचवा अगर आप देखें तो पांचवा इज कंसल्टिंग कंसल्टिंग क्या है अगर आपने सुना होगा बिग फोर बिग फोर मतलब ये जो टॉप कंसल्टेंट होते हैं चाहे केपीएम जी है एक्सेट्रा ये बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं तो आप एज अ फस क्वालिफाइड पर्सन यू ज्वाइन दिस कंसल्टेंट इन अदर ऑफ देयर डिविजन कुड बी टैक्स कुड भी मर्जर्स कंसल्टिंग कुट भी ट्रांजेक्शन कंसल्टिंग वेरवर यू थिंक इट फिट्स योर लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन आप बिग फोर में ज्वाइन करते हैं एंड इवेंचुअली बिग फोर में ज्वाइन करने के बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे करियर ग्रोथ मिल जाता है इन मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स एडवांटेज क्या होता है बुक बिग फोर में जब आप काम करते हैं तो यू गेट एक्सपोज टू सो मेनी इंडस्ट्रीज कि आप अपने करियर को पिवट कर सकते हैं As a consultant, you talk to many industry people, you, you do research on many industries. So eventually you can actually think about getting out of consulting and getting into a particular thing. And that into could be research, could be investment banking, could be banking and insurance, or it could be corporate finance as well. So consulting is actually a very good option to start your career because 360-degree exposure finance vertical. Chatta occupation. Hai. वो है ट्रेजरी मैंने उसके बारे में थोड़ा सा टच किया था जब मैं इनिशियल आपसे बात कर रहा था कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में और मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस की जब बात कर रहा था तभी भी मैंने ट्रेजरी के बारे में आपसे बात की बट ट्रेजरी एक स्पेशलाइज फंक्शन है जहाँ पे जो ट्रेजरी डेस्क होती है चाहे वो बैंक की है चाहे इंश्योरेंस कंपनी है चाहे किसी कंपनी की है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के खुद के ट्रेजरी डेस्क होते हैं जिनका रोल ये है कि जो कैपिटल उनके पास में है उस कैपिटल को और बेटर तरीके से कैसे मैनेज करें और उसमें से और बेटर रिटर्न कैसे जनरेट करें तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी अपनी ट्रेजरी डेस्क के थ्रू फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के थ्रू मल्टीपल फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट अगेन सीए हेल्प्स सीएफए वर्क्स

पूरी दुनिया क्वांटिफाई करने की कोशिश करी हम सब ने देखा पेंडेमिक हुआ कोविड सिचुएशन आया तो एक रिस्क आ गया विच वॉज अनवॉरेंटेड रिस्क बट किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था कोशिश चल रही है कि क्या हम इस तरह के रिस्क को क्वांटिफाई कर सकें और क्या हम इस रिस्क को मैनेज करें थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ताकि हमारा रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इन दीज अनसर्टेन टाइम्स न बी नलीफाइड इफ नॉट मेड इट जीरो बट इट इड बी रिड्यूस टू एस क्लोजेस्टर में काफी साइंस पे वर्क हो रही है और एक क्वालिफिकेशन है वो शायद सी ए उन सबके साथ में गार्प एफ आर एम का क्वालिफिकेशन करना चाहे इट कुड बी ग्रेट ग्रेट ऑक्यूपेशन इसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि दूसरा मॉडर्न क्वालिफिकेशन है एक्चूरियर साइंस आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है और जितना इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा उतना नीड ऑफ प्रोफेशनल हु कैन करेक्टली वैल्यू द क्लेम करेक्टली वैल्यू द प्रीमियम टू बी कैल्कुलेटेड फॉर द क्लेम वो पूरा साइंस जो है विच इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क वो पूरा साइंस को एक्चुअली हैं तो इसकी एक स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन है सो हु इज लुकिंग टू बिल्ड अ अ करियर इन रिस्क असेसमेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस साइंस कुड बी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू तीसरा जो है प्राइवेट इक्विटी आपने देखा होगा कि आजकल काफी पैसे वेंचर इन्वेस्टिंग प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर में जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स तो अगर आप एक फिनेंस प्रोफेशनल हैं जिसको समझ में आता है कि स्टार्टअप्स को कैसे वैल्यू करते हैं या बिजनेसेस को कैसे वैल्यू करते हैं तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दीज वी सी फर्म्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इट इज नॉट ईजी टू गेट जॉब्स देयर टिपिकली लोग जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है चाहे वो कॉर्पोरेट बैंकिंग का चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का या प्राइवेट इक्विटी उन्हीं को ही प्राइवेट इक्विटी या वीसी के अंदर में अपॉर्चुनिटी मिलती है बट यू कैन स्टिल ट्राई योर चांसेस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट इज अगेन गेम एम बी ए इन फिनेंस और अ सी एफ एके सी ए को भी चांस मिल जाता है बट एम बी ए इन फाइनेंस ऑलवेज हैज अ बेटर प्रिफ्रेंस ओवर दी अदर क्वालिफिकेशन चौथा क्वालिफिकेशन ये मेरा फेवरेट क्वालिफिकेशन है ये है ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो कि ट्रेडिशनली माना जाता है कि ये बेकार लोगों का काम है जो कुछ नहीं करते वो ट्रेडिंग करते हैं बट ये इतना साइंटिफिक काम है दोस्तों अगर आप करेंगे इसको प्रॉपरली विथ प्रॉपर स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग तो ये एक सिग्निफिकेंट करियर के रूप में इमर्ज हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है एक ट्रेडिशनल चार्ट बेस ट्रेडिंग और एक मशीन बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग जिसमें एआई मशीन लर्निंग की भी काफी एप्लीकेशन है तो अगर आप ट्रेडिशनल चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कोई एस सच कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है लॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स देर इन द मार्केट इंक्लूडिंग दी प्रोग्राम्स से आप कोई को करके जर्नी चालू कर सकते हैं लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं मतलब आप करना चाहते हैं मतलब आप क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब आपको स्पेशलाइज ट्रेडिंग वहां पर चाहिए होगा तो एक इंस्टीट्यूट है और वहां पर एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऑक्यूपेशन है जो दुनिया में बड़े जोड़ों से इमर्ज हुआ है और वो सिर्फ फिनेंस का ऑक्यूपेशन नहीं है वो एक जनरिक ऑक्यूपेशन है और फिनेंस में भी उसका एक अच्छा एप्लीकेशन है वो है टीचिंग या सोशल मीडिया कॉन्टेंट डेवलपमेंट समथिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ ऑल ये मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है मेरा बिजनेस कुछ और है बट ये मैं नॉलेज शेयरिंग के लिए कर रहा हूं बट कई लोगों ने इसको भी एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना रखा है तो अगर आप फिनेंस समझते हैं और आप लोगों को समझा सकते हैं और आप अगर सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाते हैं तो यू कैन एक्चुअली बिकम अ फिनेंस कॉन्टेंट क्रिएटर यू कैन बिकम अ टीचर यू कैन बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड फाइनली यू विल सी लॉड ऑफ पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू उट ऑफ दोडक्ट यू विल इंडोर्स एस पार्ट ऑफ यूर फॉलोइंगे थे कुछ मॉडर्न करियर्स और ये थे कुछ ट्रेडिशनल करियर्स तो अब आपको चूज करना है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं एक कॉमन थीम है कि अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो एम बी ए इन फिनेंस इज द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जितना आप कोशिश करें कि टॉप टायर एम स्कूल से आपका हो जाए उतना आप अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब को बढ़ाते हैं लेकिन फिनांस की एक खास बात है वो एक कंटिन्यूस लर्निंग तो एम बी एंड फिनेंस होने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सीख लिया ऑन अ रेगुलर बेसिस वी हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एंड्स वाई लर्न मार्केट्स इज देयर विच इज अ फस स्पेश पोर्टल विच हेल्प्स यू टू अंडरगो ऑल द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग on various aspects of finance i hope this video gave you a clarity i hope you will follow a path for yourself these are multiple paths available you have to take one of them and excel in them and become specialist for your rewarding career in finance thank you so much here video technically and i am sure that you are going to share this with your friends and family especially the youngsters who are looking to build a serious career in finance. Bye bye. Take care.